हेलो प्यारे बच्चों तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ आई स्पीक साइन लैंग्वेज एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश लाइव कोर्स बुक क्लास सिक्स चैप्टर नंबर नाइन तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था पोएम को बच्चों तो आप डिटेल के लिए उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं नाउ वी विल स्टार्ट देर आर थ्री पार्ट्स बेसिकली पार्ट ए बी एंड सी वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर वन माई वर्ल्ड में सीम क्वाइट फॉर माइल्स अराउंड तो बच्चो ये लाइन जो है इस पोएम से ली गई है अब इसमें इसी के बेस पर क्वेश्चन है हु से लाइन किसने कही आंसर इज द पोएटस से इज दिसंस ये पोएटस ने सारा इस्माइल ने ये लाइने लिखी हैं उन्होंने ये कही है बी वाई इज दिस पर्सन वर्ल्ड क्वाइट इस पर्सन का जिसने लाइन कही है उसका जो संसार है वो चुप क्यों है शांत क्यों है आंसर इज द पर्सन कैनॉट हीयर एनी थिंग एज द पर्सन इज डेफ सो हर वर्ल्ड इज क्वाइट एंड साइलेंट जो पर्सन है जो ये लाइन कह रहे हैं पोएटस वो बह रही हैं वो सुन नहीं सकते हैं कुछ तो उनका जो संसार है मीलों तक शांत है नंबर टू बट फॉर मी इट कीप्स योर वर्ल्ड विद इन रीच लेकिन मेरे लिए ये तुम्हारे संसार तक पहुँचता है वट डज़ इट रेफर टू यहाँ पर इट किस को रेफर किया है इट रेफर्स टू साइन लैंग्वेज और चेस्टर्स इशारों से और साइन लैंग्वेज जो है यहाँ पर इट को उसे रेफर किया है बी एक्सप्लेन द फ्रेज कीप्स योर वर्ल्ड विद इन रीच तो बच्चों इस फ्रेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है आंसर इज द फ्रेज मीन्स दैट द पर्सन इज एबल टू एक्सेस द वर्बल वर्ल्ड जो दो दुनिया है एक तो वर्बल है और एक म्यूट वर्ल्ड है तो इसमें इस फ्रेज में, में ये मतलब है कि मैं साइन लैंग्वेज के द्वारा वो सीखने के बाद आपके वर्ल्ड को एक्सेस कर सकती हूँ यानी कौन सा वर्ल्ड वर्बल वर्ल्ड स्पोकन वर्ल्ड थर्ड माई लैंग्वेज स्टार्ट इट स्मॉल बट सोन इट ग्रू विच लैंग्वेज इज बींग रेफर टू हीयर कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर रेफर है इन दिस लाइन साइन लैंग्वेज इज रेफर तो इस लाइन में माई लैंग्वेज कौन सी है इसमें साइन लैंग्वेज नंबर बी मैंशन द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन एंड इज एक्सप्लेन इट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन इज मैटफर तो यहाँ पर पोइट्रिक डिवाइस पूछा है बच्चों तो यहाँ पर मैटफर है साइन लैंग्वेज इज कम्पेयर टू अ बेबी दैट इज स्मॉल बट विद प्रैक्टिस ग्रो इन टू अ फुल फ्लैज कम्युनिकेशन मीडियम तो बच्चों यहाँ पर साइन लैंग्वेज जो है कंपेयर किया गया एक बेबी से या फिर आप कह सकते हैं ट्री से जो शुरू में तो छोटा होता है लेकिन वो धीरे 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 ग्रो हो जाता है बड़ा हो जाता है फिर फुल फ्लैज कम्युनिकेशन मीडियम बन जाएगा यहाँ पर साइन लैंग्वेज को कम्पेयर किया है तो जहाँ पर कंपेरिजन होता है बच्चों वहाँ पर मैटाफर होता है नंबर फोर आई वॉन्ट इवन ब्लिंक एट योर रामबलिंग वैली रामबलिंग मैंने पोएम में बताया था बच्चों गुड़गुड़ाना कोई साउंड आ रही है तो क्वेश्चन है हु सेज इज दिज लाइन्स तो किसने लाइन कही थी द पोर्टस सेज इज दिज लाइन्स पोर्टस ने ये लाइन कही थी नंबर बी वाई विल द पर्सन नॉट ब्लिंक तो जो पर्सन है उसने ब्लिंक क्यों नहीं किया आंसर इज द पर्सन विल नॉट ब्लिंक पर्सन ब्लिंक नहीं कर रहा बिकॉज शी कैन नॉट हियर द रामबलिंग वैली एज शी इज डिफ तो वो सुन नहीं सकती हैं तो वो रामलिंग बेली की आवाज़ नहीं आई तो इससे वो उन्होंने ब्लिंक नहीं किया नंबर फाइव यू मे लुक ट्वाइस एट वट आई कॉल स्पीच ए वट डज द पोएट कॉल स्पीच तो पोएट ने यहाँ पे स्पीच किस किसको कहा है आंसर इज़ द पोएट कॉल्स साइन लैंग्वेज एंड जेस्टर्स आ स्पीच जो पोएट की अपनी एक लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज जेस्टर्स से वो स्पीच को इसने स्पीच कहा है बी वाई विल वी लुक ट्वाइस एट इट हम इसको दो बार क्यों देखेंगे वी विल लुक ट्वाइस एट इट हम दो बार इसलिए देखेंगे बिकॉज वी डो नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज जेस्टर्स क्योंकि हमें वो जेस्टर समझ में ही नहीं आएंगे वो साइन लैंग्वेज इतनी टफ है क्योंकि वो ही लोग उसे समझ पाते हैं जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे सिक्स बट इट्स सो मच मोर फॉर ऑल इट स्पीकर सो ए वट डज़ इट रेफर टू यहाँ पर इट किसे रेफर किया है इट रेफर्स हेयर टू साइन लैंग्वेज नंबर बी वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इट स्पीकर सभी स्पीकरस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है आंसर इज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इट स्पीकर बिकॉज दे कैन यूज इट टू कॉम्युनिकेट दियर फीलिंग्स इमोशंस एंड थाट्स क्योंकि ये कॉम्युनिकेट करने के लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं इमोशन वो क्या सोचते हैं ये सब कॉम्युनिकेट करने के लिए ये लैंग्वेज उनको बहुत जरूरी है Now section B answer the questions briefly. Number 1 why is verbal speech of no use to the poet? Verbal speech ki poet ko koi zarurat hi nahi hai kyun? Answer is verbal speech is of no use to the poet as she is deaf. तो वो सुन नहीं सकती हैं बहरी हैं और उनको verbal speech का कोई मतलब ही नहीं है उनका कोई use ही नहीं है नंबर टू हाउ डज़ द पोएट एंजॉय वॉचिंग टेलीविज़न प्रोग्राम्स तो जो पोएट है वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स कैसे इन्जॉय करती हैं आंसर इज़ द पोएट इन्जॉय इज़ वॉचिंग टेलीविज़न प्रोग्राम्स बाय रीडिंग द सब टाइटल्स वो सब टाइप टाइटल्स पढ़ती जाती हैं जिससे उन्हें पता चलता है मूवी में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज साइन लैंग्वेज लुक लाइक टू अदर्स एंड वाई तो पोएट के अकॉर्डिंग बच्चों इसमें पूछा साइन लैंग्वेज जो है वो दूसरों को कैसे दिखता है मतलब और क्यों अकॉर्डिंग टू द पोएट साइन लैंग्वेज लुक्स लाइक फ़न एंड गेम्स टू अदर्स बिकॉज दे कैन हियर द स्पोकन वर्ड्स जो स्पोकन वर्ड्स हैं मतलब जो वर्बल दुनिया है उनके लिए ये कैसा लगता है उनके लिए फ़न एंड गेम्स जैसा है जैसे वो उनके साइन लैंग्वेज देखते हैं तो उनके लिए एक गेम जैसा है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ इज़ द डिक्शनरी फॉर साइन लैंग्वेज डिफरेंट फ्राम द अदर डिक्शनरीज तो जो साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी है वो अदर डिक्शनरी जो कॉमन डिक्शनरी होती है उसे डिफरेंट कैसे है द डिक्शनरी फॉर साइन लैंग्वेज इज़ फिल्ड विद पिक्चर्स ये पिक्चर्स से भरी हुई है पिक्चर्स के द्वारा ही समझाया गया है वाइल द अदर डिक्शनरी शोज द वर्ड मीनिंग और जो दूसरी डिक्शनरी होती है कॉमन बच्चों तो उसमें तो वर्ड मीनिंग ही होते हैं क्लियर Now section C think and answer the questions. Question number one, communication you see doesn't have to be spoken. Explain this statement in the context of the poem. तो बच्चों यहाँ इस poem में के context में हमें explain करना है कि communication जो है उसको spoken बोलने शब्दों की ज़रूरत नहीं होती communication doesn't have to spoken because there are many ways of communicating बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम वर्बल कम्यनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन हम जो बोल के करते हैं बच्चों उसके उससे भी अलग इशारों में जेस्टर्स और हमारे साइन लैंग्वेज इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं साइन लैंग्वेज इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक कैन यूज़ टू एक्सप्रेस हर सेल्फ और हिम सेल्फ जो साइन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का उन लोगों के साथ जो बोल नहीं सकते ठीक है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस लैंग्वेज के द्वारा क्वेश्चन नंबर टू साइन लैंग्वेज फिक्स्ड अ वॉल्यूम स्विच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोकन एक्सप्लेन क्वेश्चन है साइन लैंग्वेज ने एक फिक्स कर दिया है वॉल्यूम स्विच जिससे कि हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को बता सकते हैं सो आंसर इज साइन लैंग्वेज फिक्सड अ वॉल्यूम स्विच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोक एन मीन्स दैट दिस लैंग्वेज शोज द वे टू दोज पीपल हु कैनॉट स्पीक दैट हाउ टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस दैमसेल्व्स जो लोग अपने आप को जो जिनको वर्बल नहीं बोल सकते हैं जिनकी आवाज नहीं है म्यूट है तो वो क्या कर सकते हैं साइन लैंग्वेज को सीखकर ये साइन लैंग्वेज ने उनको एक स्विच लगा दिया है वॉल्यूम स्विच जिससे वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे लोगों को बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज स्पोकन वर्ल्ड और वो इस लैंग्वेज के द्वारा जो बाकी जो संसार रह गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ स्पोकन वर्ल्ड जो है वर्बल वर्ल्ड जो है उससे वो जुड़ सकते हैं क्लियर अप टू हेयर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री What does the poet mean when she says that her language started small but soon it grew? So I explained this question When the poet says that her language started small but soon it grew means that while she started communicating with the people around her in sign language, they started understand it well so that they could also communicate with her in the same manner. This led to an increase in the users of sign language. ओके okay, तो बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है इस आंसर में कि साइन लैंग्वेज जो है उसको सीखकर कर पोएड़ जो पोएट क्या कहते हैं ये तो एक शुरुआत है कम्युनिकेट करने की उन लोगों के साथ फिर जैसे जैसे इसको वो लैंग्वेज को समझते जाएंगे फिर बाकी जो लोग हैं जो बोल भी सकते हैं वो हमारे इशारों से समझ पाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं इस ये एक करने का एक माध्यम हो सकता है साइन लैंग्वेज तो दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द यूजर्स ऑफ साइन लैंग्वेज ऐसे ऐसे ये लैंग्वेज फैलती जाएगी तो ऐसे इसके नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे यूजर्स के क्वेश्चन नंबर फोर इन योर ओपिनियन वट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोएट है किस तरीके का एटीट्यूड है इस पोएम में पोएट का आंसर इज द पोएट हैव एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होपफुल एटीट्यूड है पोएट जो है वो बहुत ही आशावादी है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती गिव अप नहीं करती शी इज़ नॉट डिसक्रेज बाय हर डिसेबिलिटी ये डिसेबिलिटी होने के बावजूद वो फिर भी काफ़ी एनकरेज है शी फॉर्मली बिलीव एंड प्रूवस दैट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइक साइन लैंग्वेज एंड हैं शी डज नॉट हैव टू रिलाई ऑन वर्बल कम्युनिकेशन उनको विश्वास है कि और प्रूव कर सकते हैं जैसे इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज जो है काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो सकती हैं इसलिए उन्हें वर्बल कॉम्युनिकेशन पर भी रिलाय नहीं है वो इस पर ज़्यादा उन्हें साइन लैंग्वेज पे ज़्यादा भरोसा है नंबर फाइव व्हाई डू यू थिंक द पोइट वॉन्ट्स टू टीच एवरी वन साइन लैंग्वेज वट डू यू थिंक विल बी इट्स इफेक्ट आंसर इज द पोएट वॉन्ट्स टू टीच एवरी वन साइन लैंग्वेज जो पोएट है वो सभी को साइन लैंग्वेज सिखाना चाहती हैं सो दैट दे कुड कॉम्युनिकेट विद ईच अदर ताकि बाकी लोग भी उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ द इफेक्ट ऑफ मोर पीपल लर्निंग द साइन लैंग्वेज विल बी दैट दिस लैंग्वेज विल ग्रो एंड बिकम पॉपुलर लाइक अदर वर्बल लैंग्वेजेस तो वो इसलिए सिखाना चाहती हैं कि इसका जो प्रभाव है वो और लोगों पे भी पड़ेगा, बाकी लोग भी सीखेंगे साइन लैंग्वेज जिससे क्या होगा नंबर बढ़ेगा इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी जो वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं उनके बीच में भी इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ठीक है बच्चों यहाँ तक हुए क्वेश्चन आंसर सो आफ्टर क्वेश्चन आंसर देर इज वोकेबलरी सेक्शन एज वेल फ्यू वर्ड्स द ब्लैंक्स सो नंबर वन इज टू गॉसिप इज़ अ बैड हैबिट गॉसिप करना एक बैड हैबिट है नंबर टू प्लीज डू नॉट शाउट आज द बेबी स्लीपिंग बेबी सो रहा है इसलिए शाउट मत कीजिए नंबर थ्री ज़ियाद वांटेड टू टॉक विद हिज़ फुटबॉल कोच जो ज़ियाद है वो बात करना चाहता है अपने फुटबॉल कोच से नंबर फोर मैरी वांटेड टू रिसाइड द पोएम शी दैट शी हैड लर्नड जो पोएम याद की है मैरी ने उसको रिसाइट करना चाहती है नंबर फाइव द टीचर आस्ट हर स्टूडेंट्स टू नरेट द इंसिडेंट टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स नरेट करें उल्लेखित करें उस घटना को नंबर सिक्स नेवर बी एफरेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग जो भी कोई गलत घटित हो रहा है उसके बारे में बोलना स्पीक आउट से डरना नहीं चाहिए नंबर सेवन वी डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें इस मैटर को डिस्कस करना होगा नंबर एट जो वॉइस वॉय बिक केम अ विस्पर वैन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास प्रिंसिपल ने जब एंटर किया क्लास में तो जूहे की जो आवाज़ थी वो विस्पर हो गई यानी खुशफुसाना तो बच्चों हमने इन वर्ड से देखा है कि वर्बल लैंग्वेज के भी बोलने को ही कितने सारे वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उनके यूसेज पर डिपेंड होता है उसको कैसे हम यूज़ करेंगे ठीक है बच्चों सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड वोकेबलरी एज़ विल आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग